रहती है फजा हरदम बावजू मदीने की। क्या बयां करे कोई आबरू मदीने की, रहती है फजा हरदम बावजू मदीने की। और काफिला फरिश्तों का आता है समाज को, जब भी करता है कोई गुफ्तगू मदीने की। काफिला फरिश्तों का आता है समाज को, जब भी करता है कोई गुफ्तगू मदीने की। बहुत ही खूबसूरत आवाज और मेयारी अशार हम और आप बुलबुले बागे मदीना वासिफ़े शाहे हुदा अजीजम सुफियान रजा कादरी बनारसी की जबानी समाअत कर रहे थे। लेकिन मैं बैठे बैठे देख रहा था कि आप बड़ी ही खामोशी के साथ समाअत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरा आपसे पहला साबका है, पहला इत्तेफाक है। गुज़िश्ता साल भी हजरत कुतबन शहीद अलैहि रहमा का करम हुआ और मेरी हाजिरी हुई, और उससे पहले भी हजरत कुतबन शहीद अलैहि रहमा के उर्से पाक की तकरीब सजाई और रचाई गई। मुंतजमीन ने किसी और नाजिम जलसा को मदऊ किया, किसी सबब उनकी हाजिरी न हो सकी, और फिर मुंतजमीन ने मुझे याद किया और साहेब उर्स हजरत कुतबन शहीद अलैहि रहमा का करम हुआ और मेरी हाजिरी हुई। ये मेरा आपसे तीसरा साबका है। आपके ये सुनने का मिजाज तो नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं ताकि सुनने सुनाने का माहौल बन सके। आप जितना करीब में इकट्ठा होकर बैठेंगे आपको सर्द भी उतनी कम लगेगी, ठंडी भी उतनी कम लगेगी। आप थोड़ा करीब करीब हो जाएं ताकि एक सुनने सुनाने का माहौल बन सके। जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं, अगर वो यहाँ वाकई में मौजूद हैं, तो अपने होने का सबूत दें और अपने दोनों हाथों को बुलंद करके एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को फजा में बुलंद करें, पीछे की सफ तक जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं सबकी शिरकत चाहता हूँ। दोनों हाथों को फजा में बुलंद करके कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, शायर ने कहा कि ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं। अब देखना ये कि ये शेर सुनने के बाद कौन कौन खामोश बैठता है। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। ये सुन्नी जब बुलंद अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक इसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। और मोहब्बत से कोई जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। जब या रसूल अल्लाह कहता है, फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। नबी की नात को वो एजाज हासिल है कि चाहे आप सुभान अल्लाह बोले न बोले, चाहे ये सुभान अल्लाह बोले न बोले, चाहे स्टेज वाले सुभान अल्लाह बोले न बोले, लेकिन नबी की नात को वो एजाज हासिल है कि फरिश्ते भी सुभान अल्लाह कहने में फख्र महसूस किया करते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपके मुकद्दर का सितारा और जैसे सूर्या पर चमकता हुआ दिखाई दे? क्या आप नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो एक मर्तबा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा कि इसी को सैयद कौनैन की इमदाद कहते हैं, इसी को सैयद कौनैन की इमदाद कहते हैं। नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं, नबी की नात पर जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूं कि एक मरतबा उन तमाम कर मुकद्दस नामों को आपकी समातों तक पहुंचा दूं जिनको आज की इस मुबारक शब में हमें और आपको समात करना है। बहरहाल मुझसे पेशतर हो सकता हो कि आपने उन तमाम कर नाम को सुना हो, और दूसरे जराए से वो तमाम कर नाम आपकी समातों तक पहुंच भी चुके हों। आज की ये खूबसूरत बज्म जिस अजीम शख्सियत की जेरे सदारत सजाई और रचाई गई है, आज की इस खूबसूरत बज्म की सदारत की दस्तार औलादे हजरत अबू बकर सिद्दीक, नवासे हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत, खलीफे हुजूर अमीने शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना हम्माद रजा साहब किबला बरेली शरीफ, जो आज की इस खूबसूरत बज्म की सदारत फरमा रहे हैं, इंशाअल्लाह अजीज कुछ ही लम्हे के बाद
वो नूरानी चेहरा हमारे और आपके माथे की निगाहों के सामने होंगे। हम और आप उनके नूरानी रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे और औलादे रसूल औलादे अली हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मेराजुद्दीन मिसबाही साहब किबला गाजीपुरी के उम्दा खिताब से भी हम और आप महजूज होंगे। हजरत की भी आमद आमद हो चुकी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बस कुछ ही लम्हे के बाद हम और आप उनके नूरानी हक्कानी बयान से मुस्तफेज भी होंगे। वक्त बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लगभग पौने 11 बज चुके हैं। ये किसी तरह की गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि बस आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आप सुनने के लिए तैयार हैं तो थोड़ा सा साथ दें, क्योंकि मैं बहुत पतला गुला और बहुत कमजोर नकीब हूं। थोड़े से आपकी आपका सपोर्ट थोड़ा सा मुझे चाहिए। आप मेरा साथ देंगे तो एक मतबा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दें या अली, और बुलंदी के साथ कह दें या अली या हुसैन या हुसैन। माशाल्लाह, जब आप इतने जिंदा दिल हैं तो फिर इतनी कंजूसी से काम क्यों ले रहे हैं? थोड़ा सा गर्म हो जाएं ताकि ये जो सर्दी आपके ऊपर हावी हो रही है ये दुम दबाकर भागती हुई नजर आए, क्योंकि हमें अभी मद्दहाने हबीबे किबरिया शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत सुहराब कादरी देवरिया की जबानी नातो मनाकिब के खूबसूरत अशार समाज करने हैं। वहीं बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाहे हुदा तूतिये चमनिस्ताने रजा असीरे हुजूर ताजु शरिया हजरत अहमद रजा बनारसी की जबानी भी हम और आप उम्दा और मेयारी अशार बुजुर्गों के कलाम को भी हम और आप समाअत करेंगे जो मिंबरे रसूल पे तशरीफ फरमा है। वहीं आशिके हुजूर गुलजारे मिल्लत बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाहे हुदा बड़े भाई मोहतरम अहमद रजा इस्माइली को भी हम और आप समाअत करेंगे और शाहकारे तरन्नुम मद्दाहे हबीबे किबरिया मद्दाहे अहले बैत शायरे मुल्क हिंदुस्तान बड़े भाई आजम इकबाल बनारसी को भी हम और आप समाअत करेंगे। इन तमाम दर शुराए किराम की आमद आमद हो चुकी है और यके बाद दिगरे वो आपकी समातों तक पहुंचेंगे। भैया ये अफरा तफरी का माहौल बंद कर दें, अफरा तफरी का माहौल बंद कर दे। मैं चाह रहा हूँ कि आप एक माहौल पैदा करें, क्योंकि मैं आपको मुलाकात अभी एक खूबसूरत शायर से कराना चाहता हूँ। आप सुनने के लिए बिल्कुल आमादा और तैयार हो जाएं। आप सुनने के लिए तैयार हैं तो एक मरतबा लहके कह दें या रसूल अल्लाह, और बुलंदी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, और सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनाकिद ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होती नहीं मुनाकिद ऐसी महफिल सजाने को दिल चाहिए। तो अगर आप दिल वाले हैं दिल से समाअत करें। मैं अब बला ताखीर, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये हुनर बड़े भाई मोहतरम अहमद रजा बनारसी साहब को बहुत अच्छे से आता है कि वो आपसे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करवा ही लेंगे और एक खूबसूरत और नूरानी माहौल पैदा करेंगे। इसलिए मैं बला ताखीर बुलबुले बागे मदीना वासिफे शाहे हुदा अंदलीबे गुलशन रिसालत असीरे हुजूर ताजु शरिया हजरत अहमद रजा कादरी बनारसी से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने मदभरी आवाज से अपने खूबसूरत अशआर से हम तमाम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हम और आप अपने दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करें और नारे तकबीर और रिसालत की फजाओं में हजरत अहमद रजा कादरी बनारसी का इस्तकबाल करें। दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करके नारे का जवाब दें नारे तकबीर, और बुलंदी के साथ, और बुलंदी के साथ दोनों हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी फैजाने औलिया इकराम मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया फैजाने हुजूर ताजु शरिया नारे तकबीर
नारे रिसालत।